इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुमन बार। न्यूज वर्ल्ड इंडिया की खबर का असर हुआ है और जहां पर सीतापुर कोतवाली में तैनात दरोगा को एसपी ने किया है लाइन हाजिर। जी हां, आपको बड़ी जानकारी देते आपको बताते चले कि गालीबाग इंस्पेक्टर अवध राज सेंगर का वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है, जिसमें दरोगा महिलाओं को गाली देते हुए डांट रहा है। और वीडियो वायरल होने के बाद सीतापुर मिश्रिक थाना के गालीबाग थानेदार को ही एसपी ने अब लाइन हाजिर कर दिया है और साथ ही दरोगा पर विभागीय जांच बिठाई गई है। ये सोशल मीडिया के माध्यम से कल एक वीडियो हमें प्राप्त हुआ था और उसकी हमने प्रथम दृष्टया जांच कराई है। उसके आधार पर जिस इंस्पेक्टर के खिलाफ में ये आरोप लगे हैं उनको मैंने तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर किया है और उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने के प्रारंभिक जांच क्षेत्राधिकारी मिश्रित को आवंटित की है। आपको बता दें सीतापुर से खबर है जहां पर वीडियो वायरल होने के बाद सीतापुर मिश्रिक थाना के गालीबाज थानेदार को एसपी ने लाइन हाजिर कर दिया है। तो आपको बता दें न्यूज वर्ल्ड इंडिया की खबर का असर साफ तौर पर देखने को मिला है और सीतापुर कोतवाली में तैनात दरोगा है जिसको एसपी ने अब लाइन हाजिर कर दिया है। आपको बता दें कि वीडियो वायरल हुआ था जिसमें ये जानकारी सामने आई है। वीडियो वायरल होने के बाद इसमें मारपीट और गाली गलौज इंस्पेक्टर अवध राज से जो वीडियो वायरल है, सेंगर का वीडियो वायरल है और जिसमें दरोगा महिलाओं को गाली देते हुए डांट रहा है। और वीडियो वायरल होने के बाद सीतापुर मिश्रिक थाना के गालीबाज थानेदार का जो है एसपी ने अब लाइन हाजिर कर दिया है। तो सीतापुर से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया है और इसके साथ ही गालीबाज इंस्पेक्टर बताया जा रहा है जिसको अब लाइन हाजिर किया गया है। बताया जा रहा है कि महिला के साथ गाली गलौज की गई है और एसपी ने लाइन हाजिर कर दिया है फिलहाल आरोपी को। और गालीबाज इंस्पेक्टर अवध राज सेंगर का ये वीडियो बताया जा रहा है जिसमें दरोगा महिलाओं को गाली देते हुए डांट रहा है। और वीडियो वायरल होने के बाद सीतापुर मिश्रिक थाना के गालीबाज थानेदार को ही एसपी ने अब लाइन हाजिर कर दिया है। और इसी खबर पर दानिश वारसी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दानिश, जैसे न्यूज वर्ल्ड इंडिया की खबर का असर हुआ है और जो इसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि किस तरह से गालीबाज जो थानेदार है उस पर एसपी ने जो लाइन हाजिर किया है। देखिए, एसपी साहब ने जो कार्रवाई की है उनको करना ही था। अगर वो नहीं करते तो किरकिरी उनकी भी होती है, साथ में उत्तर प्रदेश पुलिस की तो हो ही रही। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या बुजुर्ग, क्या महिलाएं, सबका बराबर सम्मान यूपी पुलिस कर रही है। यूपी पुलिस को तो मुझे लगता है धन्यवाद देना चाहिए, जिस तरीके से महिलाओं को खुलेआम गाली दी जा रही है कि तू थाना चलाएगी क्या, इस तरीके से जिस तरीके से महिलाओं का बराबर तरीके से अपमान किया जा रहा है, मुझे लगता है कि यूपी पुलिस को एक और सम्मान देना चाहिए कि महिलाओं को थाने में आपने किस तरीके से शालीनता छोड़ी है, किस तरीके से अभद्रता से पेश आया। दूसरी तरफ जिले के आला अधिकारी और सूबे के मुखिया डीजीपी सब ये कह रहे हैं कि अब जो शिकायत करता है और जो वहां पर गणमान्य लोग हैं उनसे शालीनता से पेश है, ये कैसी शालीनता है। और साहब थानेदार हैं, साहब थानेदार हैं तो वो महिलाओं को भी एक ही तराजू में सबको तौलेंगे, यानी बच्चों को भी उल्टा सीधा कहेंगे, बुजुर्गों को भी कहेंगे, अगर कोई महिलाएं थाने में आ गई शिकायत करने तो उन महिलाओं को भी स्वागत होगा। तो मुझे लगता है कि अब उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार किरकिरी से जो खाकी है वो यूपी सरकार की बहुत किरकिरी करा चुकी है और करा भी रही है और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई सुधार हो पाएगा। हालांकि जो एसपी है वहां का सीतापुर के एसपी ने भले इनको लाइन हाजिर करके इस पर विभागीय जांच बिठा दी गई है, लेकिन विभागीय जांच वो कब तक करेंगे, कितने लोगों पर करेंगे और सूबे के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर कितने लोगों की विभागीय जांच होगी, क्या उत्तर प्रदेश के अंदर जब जब वीडियो वायरल होंगे तब तक विभागीय जांच होगी, तब तक निलंबित और सस्पेंड और लाइन हाजिरी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जहां जहां पर वीडियो वायरल नहीं हो रहे हैं वहां वहां क्या होगा, कोई गोपनीय जांच बनाई गई है या कोई गोपनीय मीटिंग की जा रही है या कोई खुफिया एजेंसी इन पे काम कर रही है, बिल्कुल नहीं कर रही। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिस का जो मापदंड है साफ साफ थानों में बोर्डों पे लिखा होता है, आपकी सुरक्षा सदैव हमारा तत्पर है और क्राइम कंट्रोल से ही सरकार की का सम्मान बनता है और स्टेट लेवल का ग्राफ बढ़ता है। हर साल क्राइम के मामले बढ़ते रहते हैं और हर केबिन में गिरावट नहीं आ रही है। अगर एनएचआरएम की रिपोर्ट की बात की जाए तो पहले भी क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है, वायरल होते हुए देखा है लेकिन कार्रवाई के नाम पर जीरो सामने आता है। बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर वीडियो वायरल ना होता तब क्या होता, तब तो कहते हैं कि आरोप है, ऐसा कुछ नहीं है, जांच की जाएगी। लेकिन अब जब वीडियो वायरल हो गए तो उनको लाइन हाजिर कर दिया गया,
क्या यूपी पुलिस को आखिर कौन सा प्रशिक्षण दिया जाएगा? थानों के बोर्ड पर केवल यह लिख दिया जाए कि सुनिए आपका अपमान ही हमारा तत्पर है, आपका सुरक्षा सदैव तत्पर का बोर्ड लिखा होता है थाने पे साफ साफ। थाने में बार बार मैं बता रहा हूँ कि लोकल थाने में केवल वही जाता है जो पीड़ित है, जो जो परेशान है वही जाता है। उत्तर प्रदेश पुलिस आखिर चाहती क्या, उसको कौन सा मैसेज देना है? यूपी में ये हो क्या रहा है, आखिर उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? एक तरफ तो कमिश्नरेट को लागू किया जा रहा है, बार बार पुलिस को पूरी तरीके से होल पावर दे दिया गया है, उसके बावजूद भी ये सब हो रहा है। आप माफियाओं पर कार्रवाई करें, आप गुंडे बदमाशों पर कार्रवाई करें तो आपको अच्छा लगेगा कहते हुए कि हाँ यूपी पुलिस सम्मान के लायक है, लेकिन एक मजलूम महिलाओं को इस तरीके से भद्दी गालियां देना, उसके बाद ये कह देना कि थाना तू चलाएगी, बिल्कुल नहीं, वो थाना चला पाएगी, वो थाना कैसे चलाएगी? थाना तो आप चलाएंगे साहब, थानेदार तो आप है, लेकिन ये आपको हक किसने दे दिया कि उत्तर प्रदेश के अंदर आप महिलाएं आएंगी तो महिलाओं को आप इस तरीके से सम्मान देंगे? बच्चे बूढ़े महिलाएं सबको बराबर यूपी पुलिस सम्मान दे रही और सम्मान के लायक है यूपी पुलिस। इस तरीके का ये घटना है और घटना पे संज्ञान लिया गया, कप्तान ने इनको लाइन हाजिर किया गया। अब इस सवाल ये है कि इसमें विभागीय जांच कौन सी होगी और आने वाले समय में ऐसी घटनाएं न हो, ऐसी अभद्रताएं न हो, ऐसा अपमान न हो, उसके लिए क्या यूपी पुलिस करेगी, ये सोचने वाली बात है। न्यूज़वर्ल्ड ने इस खबर को दिखाया था और जिस तरीके से आज पे कार्रवाई की गई, मैं ये नहीं कहता हूं कि न्यूज़वर्ल्ड को क्रेडिट मिलना चाहिए या टीआरपी न्यूज़वर्ल्ड को, ये बात सच्चाई के तौर पर जिस तरीके से वीडियो है आज सोशल साइट पर, ये वीडियो वायरल भी हो चुके हैं और तमाम संगठन तमाम चैनल चलाएंगे भी इसको। हालांकि कार्रवाई कप्तान ने की, उसके लिए धन्यवाद कप्तान साहब को है, धन्यवाद डीजीपी साहब को है, धन्यवाद उत्तर प्रदेश सरकार को है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर जो निचले स्तर के अधिकारी हैं इंस्पेक्टर रैंक से लेकर एसओ तक एसआई तक, उन पे प्रशिक्षण की बहुत ज्यादा जरूरत है। उनको ये बताना होगा कि महिलाएं चाहे दुखियारी हो, चाहे पीड़िता हो, चाहे आरोपी हो, उसको सम्मान करना उनका सबसे पहला धर्म है। जी जी, जिस तरह से बताया जा रहा है दानिश की जो तैनात दरोगा थे उस पर लाइन हाजिर किया है, तो आगे की क्या कार्रवाई रह सकती है? लाइन हाजिर में अब उनके ऊपर क्या क्या कार्रवाई होगी वो थोड़ा बताइए। देखिए, जनपद के सीतापुर थाने के मिश्रिक थाने का मामला है और जहां तक मुझे जानकारी मिल रही है ये वहां के शायद कोतवाल साहब है। हालांकि अब ये एसपी साहब ने इस चीज को संज्ञान लिया, उन्होंने कहा कि शर्मनाक है वीडियो और संज्ञान में जैसे आया हमने उनको लाइन हाजिर कर दिया और विभागीय जांच की कार्रवाई की जा रही है। ठीक है, आपने जान लिया, विभागीय जांच की आपने कार्रवाई कर दी, लेकिन अगर ये वीडियो न बन पाता और आप तक ये संज्ञान न पहुंच पाता तब फिर क्या कार्रवाई होती है? एसपी साहब को ये बताना चाहिए था, लेकिन नहीं बताया गया। ये वीडियो लगातार देखिए, सीओ के अभी योगी जी की एक सबसे पहले जो उन्होंने योगी ने भी मुख्यमंत्री जी ने मान्य इतना अच्छा उन्होंने एक मैसेज नजीर दिया था कि एक सीओ थे जिन पर आरोप लगा था 5 लाख की रिश्वत का वीडियो उसका वायरल हो तो उसको वहां से दरोगा बना दिया गया। तो अभी नजीर पेश की जा रही है, लेकिन उस नजीर का असर यूपी पुलिस पे क्यों नहीं पड़ रहा है? चाहे वो मुजफ्फरनगर की बात कर ली जाए, मुजफ्फरनगर में भी यही हुआ, पत्रकारों के साथ सुलूक किया गया, उसका वीडियो वायरल हुआ, उस पर अभी जांच चल रही है। और उसके बाद अब बात की जाए तो जनपद मिश्रिक थाने की सीतापुर के, इसमें भी ये वीडियो वायरल हुआ है। जी, तो उत्तर प्रदेश के आखिर हो गया, सीओ ने घुस लिया, दरोगा बना दिया गया। हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। उत्तर प्रदेश में चल रहे गड्ढा मुक्ति अभियान का सत्यापन ड्रोन कैमरे के माध्यम से किया जाएगा और सड़कों की जीआईएस मैपिंग कराने के साथ साथ ये काम होगा और इसके लिए पीडब्ल्यूडी के मुख्यालय के जरूरी निर्देश भी दे दिए गए हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 30 नवंबर तक सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त कराने के निर्देश दिए हैं। और आपको बता दें कि पीडब्ल्यूडी के ही अफसरों का दावा है कि उन्होंने 88% सड़कों की पेच मरम्मत कर दी है और वही नवीनीकरण और विशेष मरम्मत में यह प्रगति जो है उसके लिए क्रमशः 45% और 63% जो है इसमें प्रतिशत बताई जा रही है। राज्य में सबसे बड़ा नेटवर्क पीडब्ल्यू की सड़कों का बताया जा रहा है और इनकी कुल संख्या 1,14,475 है और कुल लंबाई 2,76,042 किलोमीटर है और इनमें पेच मरम्मत के लिए ही 5,09,572 किलोमीटर, नवीनीकरण के लिए ही इसमें 10,973 किलोमीटर है और विशेष मरम्मत के लिए 11,918 किलोमीटर सड़कों को चुना गया है। और इतनी बड़ी संख्या में सड़कों का रख रखाव मत में हुए 100% कामों का सत्यापन टीमें भेजकर पाना मुमकिन है नहीं बताया जा रहा है और इसलिए सत्यापन में ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल होगा। विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि सभी जो कामों को है उसको लेकर भी इसमें ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी और जिससे सड़क की व्यवस्थित स्थिति ऑनलाइन देखी जा सकती है। आपको बता दें कि पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा है कि प्रत्येक काम में पारदर्शिता हमारा लक्ष्य है और इसने सड़कों पर हुए काम का सत्यापन ड्रोन कैमरे से करवाने का फैसला किया है।
और दानिश वारसी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दानिश, जिस तरह से खबर सामने आ रही है कि सड़कों को लेकर, पूरा मामला बताइए। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर जो योगी आदित्यनाथ हैं, ईमानदार हैं, मैं कहूंगा, और वो गंभीर हैं। गंभीर इसलिए हैं क्योंकि पहले अक्टूबर था, फिर नवंबर था और अब 30 नवंबर। हर 15 दिन पे गेट बढ़ाई जा रही है, लेकिन रिजल्ट उसका धरातल पर नहीं दिख रहा है। हालांकि कोई भी चीज धीरे धीरे धरातल पर आती है, ये भी एक सच्चाई है। अब 15 नवंबर से 30 नवंबर कर दी गई, हालांकि उनके पास अभी समय है 15 दिन का। और इन 15 दिनों में वो क्या करते हैं उसको लेकर के सरकार ने एक अच्छा फीडबैक निकाला। पहले बात तो खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, दूसरी बात पीडब्ल्यूडी के जो मिनिस्टर्स हैं जितिन प्रसाद, वो भी इस चीज में संज्ञान ले रहे हैं, उस चीज में गंभीर हैं। अब जहां पर सड़कों की बात की जा रही है, गड्ढा मुक्त सड़कों का जो अभियान है सरकार का लक्ष्य है, उस लक्ष्य में कहीं ना कहीं लापरवाही देखने को मिल रही है। उसमें अभी कुछ हद तक काम नहीं हो पाया। किसी विभाग की जिम्मेदारी इस बॉल से उस बॉल तक गेंद पाले में चल रही है, लेकिन रोड जो है, सड़कों का निर्माण है, जो गड्ढों का जो बूथ होना था, वो अब तक नहीं हो पाई है। अब दूसरी बात की जाती है मॉनिटरिंग की, ड्रोन द्वारा। देखिए, ये भी एक अच्छा पहल है और एक अच्छा विषय है। सरकार ने इस पर, मुझे लगता है, बहुत ही गहनता से विचार किया है और सलाह लिया होगा, और इन सलाह पर जो निर्णय लिया है योगी आदित्यनाथ ने, बहुत अच्छा निर्णय लिया है। ड्रोन कैमरों से निगरानी जब होगी, लेकिन ड्रोन इसको समझाएंगे, क्योंकि ड्रोन से अगर वो सड़कों का, अगर खुद मुख्यमंत्री देखेंगे या मुख्यमंत्री विभाग के कार्यालय के लोग देखेंगे या पीडब्ल्यूडी विभाग के सीनियर अधिकारी देखेंगे, उस ड्रोन कैमरे में सच्चाई तो सामने आएगी ना, कहाँ पर क्या, कौन सा गड्ढा है, कितने इंच का है, कहाँ पर है, कौन सी सड़क डैमेज है, कहाँ पर निर्माण अधूरा पड़ा है, कहाँ पर नहीं, वो इन चीजों को लेकर के जो एक मीटिंग जो हुई है और जो ड्रोन जाएगी, एक अच्छा पहल है। इसका मुकल क्या है, ये 30 नवंबर तक सारी सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएगी या जनपदों में गड्ढों से पीड़ित हुई सड़कें पूरी तरीके से डैमेज कंट्रोल हो जाएंगी, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। और 30 तारीख के बाद पता चलेगा क्या सरकार फिर एक टाइम बढ़ाती है या 30 नवंबर के बाद अधिकारियों पर काज गिरती है। जैसे कि पीडब्ल्यूडी के मुख्यालय को जरूरी निर्देश दिए गए हैं, तो उसका कितना असर देखने को मिलेगा और ये कौन कौन से निर्देश होंगे जिससे कुछ बदलाव हो सकते हैं? देखिए, पीडब्ल्यूडी विभाग की जो रिपोर्ट है वो 78% यानी 78% उनके रिपोर्ट में सड़कें दुरुस्त हो गई हैं। मैंने बताया था कि वाराणसी से लेकर के कानपुर तक कुछ सड़कें दुरुस्त हुई हैं, लेकिन 78% का जो आंकड़ा है वो उनका आंकड़ा सही नहीं है। अगर बात राजधानी कैपिटल लखनऊ की करी जाएगी तो वहां पर ही सड़कें दुरुस्त नहीं हो पाई हैं। सुशांत गोल सिटी अंचल के अंदर सड़क जो केंद्रीय मंत्री जो है आपके राज्य के, कौशल किशोर कार्य क्षेत्र में आती, वहीं पर सड़क दुरुस्त नहीं हो पाई है। जनपद की बात की, जनपदों में सड़क नहीं दुरुस्त हो पा रही है, लेकिन जो स्थिति में सुधार की बात की जा रही है उस पर मुख्यमंत्री की गंभीरता को देखते हुए, जितिन प्रसाद जो मंत्री है उनकी गंभीरता को देखते हुए और पीडब्ल्यूडी विभाग की गंभीरता के, कुछ लापरवाही अधिकारियों की लापरवाही भी देखते हुए, इसलिए सरकार ने जो कड़ा फैसला किया है वो 15 नवंबर से 21 नवंबर कर दिया, 15 दिन का और टाइम दिया। सरकार पहले धीरे धीरे समय देने की कोशिश कर रही है, अगर इनमें सुधार नहीं होता तो मुझे लगता है 30 के बाद किसी न किसी पे गाज गिरनी है। और ड्रोन कैमरा सबूत के तौर पर ये बताएगा कि कहां पर कौन सा निर्माण नहीं हुआ, कौन से गड्ढों में, कहां पर सड़कें गड्ढों में तब्दील है या गड्ढों में पूरी सड़क तब्दील हो गई है। डैमेज कंट्रोल काम सरकार बने रही है, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने एंट्री एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है और इसी को लेकर, इसी बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस चुनाव की कमान अपने हाथ में ले ली है। वहीं अगर चुनावी सभाओं की बात करें तो सीएम योगी खुद संबोधित करेंगे। उपचुनाव के ही मद्देनजर सीएम योगी मैनपुरी और रामपुर और खतौली में जनसभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें, इतना ही नहीं, केंद्रीय मंत्री और सांसद विधायक भी बीजेपी प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगे और वहीं बीजेपी ने नेताओं को बूथ प्रबंधन की बड़ी जिम्मेदारी भी सौंपी है। उपचुनाव को लेकर अजीत पाल, राकेश सचान और असीम अरुण मैनपुरी जाएंगे और साथ ही प्रतिभा शुक्ला, जयवीर सिंह और संदीप सिंह भी मैनपुरी जाएंगे और जबकि कपिल देव, अग्रवाल, नरेंद्र कश्यप खतौली में प्रचार करेंगे। दिनेश खटीक, गुलाब देवी को भी खतौली की जिम्मेदारी सौंपी गई है और वहीं रामपुर उपचुनाव की जिम्मेदारी बलदेव औलख और केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद को दी गई है। इसके अलावा सुरेश खन्ना के साथ धर्मपाल सिंह भी जनसभा और प्रचार प्रसार करने वाले हैं। और इसी खबर पर लगातार हमारे साथ दानिश बने हुए हैं। दानिश, सीएम योगी ने अपने हाथ में ही उपचुनाव की कमान ले ली है।
देखिए, मैंने पहले भी आपसे बताया था कि यूपी का सबसे दिलचस्प चुनाव होगा मैनपुरी, क्योंकि परिवार से साख जुड़ी है समाजवादी पार्टी की और समाजवादी के साथ साथ कार्यकर्ताओं की, और उत्तर प्रदेश के पार्टी की भी साख जुड़ी हुई। योगी आदित्यनाथ देखिए बहुत ही सूझबूझ से चल रहे हैं, जो भी सलाहकार हैं इनके, मुझे लगता है उनकी तारीफ करनी चाहिए। जिस तरीके से सीएम अब मैनपुरी में खुद जा रहे हैं मोर्चा संभालने, इससे लग रहा है कि मैनपुरी का जो चुनाव है वो बड़ा ही दिलचस्प है और भाजपा के लिए एक टास्क है। इस टास्क को समाजवादी पार्टी के लिए भी है, अखिलेश यादव के लिए भी है, खुद डिंपल के लिए भी है और उनकी पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए भी। लेकिन अब मुझे लगता है भाजपा ने भी इसको टास्क बना लिया है। जिस तरीके से भाजपा ने मैनपुरी में समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद को प्रत्याशी बनाया और अब खुद अपने मुख्यमंत्री कमान संभालने जा रहे हैं, अपनी रैलियां करेंगे वहां पर, ये देखेंगे। और दूसरी चीज, जो फीडबैक उन्होंने मुख्यमंत्रियों को अपनी जगह जगह पर जिम्मेदारी दी है, मुझे लगता है कि मैनपुरी चुनाव पर सबसे ज्यादा फोकस है। यहां से भाजपा की जीत अगर हो जाती है तो समाजवादी पार्टी का वर्चस्व जीरो के बराबर हो जाएगा, और अगर समाजवादी पार्टी की सीट निकल जाती है तो भाजपा के लिए झटका जरूर होगा। इसको लेकर सीएम अब मीटिंग करेंगे और सीएम ये देखेंगे कि मैनपुरी में जो उनका फोकस है वो सीट को हथियाने की पूरी कोशिश भाजपा करेगी, और उसके लिए जिम्मेदारी सीएम ने खुद संभाली है। और सीएम के संभालने के साथ मुझे लगता है कि बाकी मंत्रियों भी अलर्ट हो गए। जी जी, जैसे चुनावी जनसभाओं को सीएम योगी खुद संबोधित करने जा रहे हैं, तो इसका कितना असर जनता को देखने को मिल सकता है दिनेश? देखिए, बड़े नेता जब भी किसी चीज़ को लीडरशिप करते हैं या किसी चीज़ की जनसभा को करते हैं तो उसमें फायदा होता है उनका, ऐसा नहीं है। और मुख्यमंत्री खुद इस समय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं और उनके कहीं ना कहीं उनके फीडबैक से सरकार उनकी दोबारा बन पाई है। हालांकि वोट तो मोदी के नाम पर भी मिलता है, लेकिन योगी भी एक कहीं ना कहीं चर्चित चेहरा है और फॉलोअर भी उनके अच्छे हैं। तो जिस तरीके से वो मैनपुरी में अपनी चुनाव जनसभा संबोधित करेंगे, मुझे लगता है कुछ हद तक वो खलबली मचाएंगे समाजवादी पार्टी में, और समाजवादी पार्टी के साथ डिंपल की मुश्किल तो नहीं लेकिन आसान नहीं होगी, और भाजपा के लिए कहीं ना कहीं रणनीति आसान बनेगी। और मैनपुरी से जिस तरीके से संबोधन करने जा रहे हैं, उनका संबोधन तय करेगा कि वो किस विषय पे क्या बात करते हैं, जो मैनपुरी की जनता भाजपा के साथ आ जाएगी और डिंपल के खाते से सीट निकलकर भाजपा के खाते में आ जाएगी। जी जी दानिश, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। जावेद की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। आपको बता दें कि जावेद पंप के खिलाफ एक और चार्जशीट दाखिल की गई है। जावेद पंप के खिलाफ आईटी एक्ट केस से जुड़े हुए मामले में चार्जशीट जो है वो दाखिल की गई है। प्रयागराज पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। आपको ये भी बता दें कि बीजेपी नेता रही नूपुर शर्मा की ओर से एक न्यूज़ चैनल पर डिबेट, आपको बता दें कि जानकारी है कि दिए बयान के बाद से ही मुस्लिमों ने विरोध जता दिया है, और उसी को लेकर प्रयागराज में 10 को जुमे के नमाज के बाद जमकर पत्थरबाजी और आगजनी और बमबारी की घटना हुई थी, और इस दौरान 18 से ज़्यादा पुलिसकर्मी और मीडियाकर्मी घायल हो गए थे। और इसके साथ ही आपको बताएं कि जो पुलिस उपरधियों थे उन्होंने पुलिस की 6 बाइक को आग भी लगा दी थी, और वहीं मुस्तफ़ा तिराहे के पास एक PAC के वाहन को भी उन्होंने आग लगा दिया था। और इस मामले में मुख्य जो आरोपी के तौर पर जावेद अहमद उर्फ पंप को ही 11 जून को गिरफ्तार कर दिया गया था, और जावेद पंप इन दिनों पुलिस को लेकर ही जो सतर्क नजर आए थे, और यूपी की देवरिया जेल में फिलहाल वो बंद बताए जा रहे हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ दानिश लगातार बने हुए हैं। दानिश, जावेद का जो मामला सामने आया था, पूरी अपडेट दे दीजिए और विस्तार से दीजिए। देखिए, जावेद पंप पर आरोप गंभीर थे और उत्तरियों के साथ पत्थरबाजी का भी उन पर आरोप लगा था। मीडिया के कुछ लोग घायल भी हुए थे, पुलिस भी मौके पर घायल हुई थी, जिसको लेकर जावेद पंप पर कार्रवाई की गई थी और जावेद पंप का जो आशियाना था वो भी ढहा दिया गया था। बड़ी कार्रवाई थी और इस पर एक और चार्जशीट पुलिस ने दाखिल की है। अब ये चार्जशीट जो है जावेद पंप के लिए मुझे लगता है मुश्किल थोड़ा है, और जावेद पंप के लिए एक और, मतलब ये कह सकता हूँ कि एक मुसीबत पर एक और मुसीबत आ पड़ी है। सरकार के मामले पर पूरी तरीके से गंभीर है और सरकार ने जावेद पंप के मामले पर नजर बनाए रखी, जिस तरीके से जावेद पंप पर चार्जशीट दाखिल कर दी। मुझे नहीं लगता कि जावेद पंप को कोई राहत मिलने वाली है, मुझे लगता नहीं कि इस बार कोई राहत मिलने वाली है। तो पहले तो वो आशियाना खो चुके हैं, उनके साथ जो घटना है वो पहले से ताले दिख रही है, और जो लोगों ने उपद्रव किया या पत्थरबाजी की, पुलिस के चार्जशीट को जो भी आरोप है उनके ऊपर कोर्ट तय करेगा। लेकिन जावेद पंप की मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ रही है। अब जावेद पंप के ऊपर एक केस की और चार्जशीट फाइल हो गई है। अब मुझे लगता है कि जावेद पंप इस बार जेल से रिहा हो पाएंगे, क्योंकि उनको दो दो केस में जमानत देनी पड़ेगी। जी जी दानिश, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप लगातार बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे।
जलालपुर के वाजिदपुर में हुए बवाल के मामले में भीम आर्मी के चंद्रशेखर की एंट्री हो गई है और चंद्रशेखर आज अंबेडकर नगर आ रहे हैं और वह यहां बवाल के बाद जेल गए लोगों से मुलाकात करेंगे और साथ ही घटनास्थल पर वाजिदपुर भी जाएंगे। आपको बता दें कि जलालपुर के वाजिदपुर में डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर कालिख पोती गई थी और जिसके बाद गुस्साए लोगों ने प्रदर्शन किया था और वहीं पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे लोगों पर लाठी चार्ज भी किया था और साथ ही सात प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने जेल भी भेज दिया था। तो लगातार हमारे साथ दानिश वार से जुड़े हुए हैं। दानिश, जिस तरह से मामला सामने आया था और बताया जा रहा था कि चंद्रशेखर आज अंबेडकर नगर आने वाले। देखिए, दलितों का जब मामला होता है तो चंद्रशेखर की एंट्री होती है। चंद्रशेखर की किस मामले में एंट्री सवाल खड़े करेगी, सरकार पर सवाल खड़े करेगी और काफी ज्यादा इस मामले को तूल दिया जाएगा क्योंकि चंद्रशेखर आजाद को मुझे लगता है कि काफी ज्यादा चर्चित और काफी एक्टिव नेता माना जाता है और चंद्रशेखर आजाद जो है दलितों के मामले में बिल्कुल हस्तक्षेप करता है। भीम आर्मी की जब एंट्री होगी तो कई तरीके से जांच को संभव होगा, यानी जांच में भी उलट फेर शुरू होंगे क्योंकि देखिए पुलिस का जो वीडियो था वो महिलाओं पर लाठी चार्ज करने का था जो शर्मनाक था और मर्यादित था, जिसको लेकर के उसमें तुम कुछ लोगों को जेल भी भेजा गया। तो ये मुझे लगता है कि चंद्रशेखर आजाद की एंट्री अब एक तरफा कार्रवाई पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े करेगी और जिन लोगों को जेल भेजा गया है उन लोगों पर भी चंद्रशेखर आजाद की एंट्री में सवाल खड़े होंगे और चंद्रशेखर आजाद मुझे लगता है कि इस मामले में तूल देंगे। अब वो क्या करते हैं, उनका अगला कदम क्या होगा, वो सरकार से बात करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, इस मामले में वो अपना ज्यादा उपद्रव करेंगे, ये क्या करेंगे ये तो चंद्रशेखर की पार्टी तय करेगी। लेकिन भीम आर्मी की एंट्री होना अब जो है पुलिसिया जांच पर भी सवाल खड़े करेगा और अब प्रशासन के लिए थोड़ा सख्त हो जाएगा क्योंकि जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद की एंट्री हुई है इस एंट्री में कई सवाल खड़े होने लाजमी है। जैसे बात है चंद्रशेखर आजाद इस मुद्दे को उठाएंगे और काफी सतर्कता से उठाएंगे और ये स्टेट लेवल का मुद्दा अब बनने जा रहा है और बिल्कुल बनेगा। जी, जैसे कि चंद्रशेखर आज अंबेडकर नगर में आ रहे हैं और वो यहाँ बवाल के बाद से ही जेल में जो लोग हैं उनसे मुलाकात करेंगे तो इसका कितना असर देखने को मिल सकता है? देखिए, अंबेडकर नगर तो वैसे भी मुख्य इलाका माना जाता था पहले दलितों का और दूसरी चीज मायावती भी अंबेडकर नगर को फोकस करती थी और चंद्रशेखर की एंट्री होने से कहीं ना कहीं खलबली बसपा में भी मची हुई थी। फिर उनकी एंट्री हो गई, पहले तो वो जेल में जाकर के लोगों से मुलाकात करेंगे, पीड़ित लोग जो हैं जो जेल में गए हैं, जो आरोपी हैं, जो अभियुक्त हैं या जो भी हैं उनसे मुलाकात करेंगे, उनके पक्ष जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद चंद्रशेखर के अगला कदम क्या होगा ये सोचने वाली बात है। लेकिन एंट्री जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद की हुई है मुझे लगता है कुछ बिंदु वो तैयार करेंगे, उसके बाद वो सोचेंगे कि आखिर कौन कौन से जो लीगल पॉइंट है जिन पर उनको उनके दलितों को जेल भेजा गया है, पुलिस का पक्ष जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद शायद हो सकता है सरकार से भी बात करें। लेकिन जिस चंद्रशेखर की एंट्री कई मामलों में बदलाव लाएगी और मुझे लगता है कि चंद्रशेखर के एंट्री से अब पुलिसिया जांच पर सवाल जरूर खड़े होंगे। जी दानिश, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। उत्तर प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के लिए जारी होने वाली अधिसूचना अभी और टल सकती है और विधानमंडल के शीतकालीन सत्र का आयोजन 5 दिसंबर से होगा। ऐसे में माना जा रहा है कि इस सत्र के बाद से ही निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होगी और प्रदेश में 763 नगरीय निकाय संस्थानों के चुनाव दिसंबर में प्रस्तावित हैं और राज्य निर्वाचन आयोग को 8 जनवरी से पहले चुनाव करवाने हैं। आयोग ने मतदाता सूची पुनरीक्षक 8 नवंबर को पूरा कर लिया है और अब नगर विकास विभाग तेजी से आरक्षण निर्धारित करने की कार्रवाई कर रहा है और इससे माना जा रहा था कि नवंबर के अंतिम सप्ताह तक निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी हो सकती है। दानिश वारसी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दानिश, नवंबर के अंतिम सप्ताह तक जो है निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी हो सकती है? अधिसूचना तो पहले से जारी होनी चाहिए थी लेकिन चूंकि अब इसके पास उपचुनाव भी हैं और विधानसभा सत्र भी है तो विधानसभा सत्र के बाद शायद अब निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होगी, तभी इस बात पर तय होगा कि चुनाव की रणनीति क्या है, कब तक वोटिंग होगी और किस कितने दिनों तक इसको सिमटा लिया जाएगा। अब जहां पर जो विधानसभा सत्र की बात है, सत्र देखिए विधानसभा का भी शुरू होने वाला है, इसके बाद संसद का भी सत्र शुरू होगा। अब चूंकि निकाय चुनाव की बात की जा रही है, उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव है, निकाय चुनाव अब सत्र के बाद ही शुरू होंगे और मुझे लगता है ये दिसंबर के लास्ट से पहले या नवंबर के लास्ट के बाद
मुझे लगता है ये पहले पहले विधानसभा सत्र के बाद ही होगा, क्योंकि सत्र से पहले सरकार जल्दबाजी नहीं करेगी, ना ही चुनाव आयोग इस पर कोई तरीके से जल्दबाजी करेगा, क्योंकि सत्र के बाद ही तय होगा कि निकाय चुनाव में कहां कहां पर कितना फीडबैक है, कितने यहां बूथ स्थल बनेंगे, कितने मतदान, एक लंबी प्रक्रिया है और लंबा जिम्मेदारी है। तो चुनाव आयोग के अभी इस मामले में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो पाई है, शायद सत्र से पहले भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं और सत्र के बाद भी कर सकते हैं, ये तो आयोग तय करेगा कब है। लेकिन मुझे लगता है कि शायद ये अब इस बात की तो निश्चिंता हो गई कि दिसंबर तक अधिसूचना आनी ही आनी है, हो सकता है मे भी शायद सत्र के पहले या नवंबर में भी आ सकती है। जी 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 दानिश, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने डिंपल यादव को मैदान में उतारा है। बुधवार को सिफई में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के संस्थापक शिवपाल सिंह यादव ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और शिवपाल ने अपने समर्थकों से डिंपल यादव को समर्थन करने की बात कही है और इसके बाद सियासी गलियारों में चल रहे कयासों पर विराम लग गया है। वहीं बताया जा रहा है कि आज अखिलेश यादव भी अपने चाचा शिवपाल सिंह से मुलाकात करेंगे और साथ ही शिवपाल अब डिंपल के लिए चुनाव में प्रचार कर सकते हैं। बता दें आपको कि समाजवादी पार्टी ने डिंपल यादव की चुनावी राह आसान करने के लिए शिवपाल सिंह यादव, जया बच्चन समेत कई लोगों को स्टार प्रचारक बनाया है और सपा ने मैनपुरी में चुनाव प्रचार के लिए अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है और इसमें अखिलेश यादव और किरणमय नंदा और राम गोपाल यादव, आजम खान, जया बच्चन, शिवपाल यादव और समेत 40 लोग इसमें जो इनके नाम है वो शामिल बताए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने 229 डॉक्टरों की सेवाएं बुधवार को समाप्त कर दी हैं और अस्पतालों में तैनाती किए जाने के बावजूद ड्यूटी ज्वाइन न करने वाले डॉक्टरों पर यह कार्रवाई की गई है और नियुक्ति पत्र लेने के बावजूद 6 महीने तक इन्होंने ड्यूटी लाए जो ज्वाइन नहीं की और ऐसे में इन सभी डॉक्टरों पर ब्यौरा जुटाया गया है और इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। अब इन पदों को खाली मानते हुए इन्हें दोबारा भरने के लिए अभियाचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेजा जाएगा। उत्तर प्रदेश चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के निर्देशक डॉक्टर राजा गणपति आर की ओर से ही इन डॉक्टरों की सेवाएं समाप्त करने का आदेश जारी कर दिया गया है। प्रांतीय चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा स्वर्ग के लेवल 2 के डॉक्टर के ही जो है कई पदों पर भर्ती के लिए साल 2020 और 2021 में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयन की प्रक्रिया शुरू की गई थी और कई चरणों में नियुक्ति पत्र जारी किए गए और इनमें से 229 डॉक्टर नियुक्ति पत्र पाने के बावजूद कार्यभार ग्रहण करने नहीं पहुंचे। फिलहाल अब इन पदों को खाली मानते हुए इन्हें दोबारा भरने के लिए अधियाचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेजा जाएगा और निर्देशक की ओर से संबंधित डॉक्टरों की सूची लोक सेवा आयोग के सचिव और जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को भेज दी जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।